देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सांसद रहे कलम के सच्चे सिपाही अश्विनी चोपड़ा का लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। निधन का समाचार सुनते ही उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। अश्विनी चोपड़ा पिछले काफी लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका, दिल्ली व देश के बड़े बड़े अस्पतालों में करवाया। इसके बावजूद लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती रही। अश्विनी चोपड़ा कलम के सच्चे सिपाही थे। वह देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लगातार लिखते रहे और आम जन को जागरूक करने का काम करते रहे। हरियाणा में करनाल की सीट से वह लोकसभा सांसद चुने गए थे। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अश्विनी चोपड़ा ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके निवास पर लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे दिल्ली में किया जाएगा।